क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि अवश्यम् एव भोक्तव्यम् कृतं कर्म शुभाशुभम्। किए गए कर्म का फल तो नारद सबको भोगना पड़ता है। मैं कौन होता हूं मारने वाला, कंस ने जो किया है वो उसको भोगना तो पड़ेगा, पक्की बात है। नारद जी ने तो भगवान की आगे होने वाली सब लीलाएं बता दी, आप ऐसा करेंगे फिर ऐसा होगा। और रात्रि में ही कंस ने अक्रूर जी को अपने पास में बुलाया, बोले आपको गच्छनंत ब्रजम तत्र सुतवान कुदुंदुभे आशा शेता विहानेन रथेनानयमाचिरम। आपको नंद जी के ब्रज में जाना है और कृष्ण बलराम दोनों को लेकर के आना है, क्योंकि कृष्ण मेरा काल है ना। अब वो यहां आकर के यहां की शोभा को देखने लगेंगे, मथुरा की शोभा में धोखे से मार दूंगा, बात खत्म। अक्रूर जी महाराज के मन में बड़ी चिंता हो गई। अक्रूर ने सोचा दुष्ट के मन में मेरे गोविंद के प्रति भाव बढ़िया नहीं है, इसकी मानसिक स्थिति कृष्ण के प्रति बहुत उत्तम नहीं है। इसलिए अक्रूर जी महाराज ने कंस को समझाने का प्रयास किया, बोलो जय श्री कृष्ण। कि राजन मनीषितम सद्र तव स्वावत्य मार्जनम सिद्ध्य सिद्ध्यो समं कुर्जा दैवं हि फल साधनम। ये मानव की सबसे बड़ी गलती है कि वो मनोरथ बड़े करता है। हम मनोरथों में जीते हैं, दुखे तो सुखमान ही न, दुख को ही सुखमान कर उसमें जी रहे हैं, ये हमारी गलती है। कि मनोरथान करोत्युच्चै जनो दैव हतान भी युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि। ये मनोरथ मनुष्य बहुत करता है, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, पर एक पल के बाद में क्या होगा इससे कोई जानता है। मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा तथा प्याज्ञाम करो मिते, आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा नैतिक धर्म है, लेकिन कृष्ण को तुम मारोगे कि कृष्ण तुमको मारेंगे ऐसा पहले से कुछ कहा नहीं जा सकता। कंस ने कहा भाषण में सुनाइए, उपदेश देने की जरूरत नहीं है, इतना बताओ जाओगे कि नहीं। रात्रि में अक्रूर जी रुक गए और प्रातः होते ही नंद गांव की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, नंद ब्रज की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बड़े बड़े मन में सुंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं मानसिक रूप में। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परम तप किम बाथाप्यर्हते दत्तम यद्रिक्षाम अद्य केशवम। मैंने ऐसी कौन सी सुंदर तपस्या की है, कौन सा ऐसा कल्याणमय कार्य किया है, किम बाथाप्यर्हते दत्तम ऐसा कौन सा मैंने अद्भुत दान किया है यद्रिक्षाम अद्य केशवम, आज मैं केशव का दर्शन करूंगा। भाव है अक्रूर के मन में, यदि मनोरथ कभी करने भी हो तो गोविंद के प्रति करो। दुनिया का मनोरथ कभी पूर्ण नहीं होता और गोविंद के प्रति किए गए मनोरथ ही भक्ति बन जाते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे सुंदर सुंदर विचारों को लेकर के महात्मा अक्रूर प्रवेश करते हैं नंद गांव में। कृष्ण बलराम नंद यशोदा सबसे मिले, बड़ा आतिथ्य, हमारे ब्रज का आतिथ्य बड़ा अद्भुत होता है। वाणी में थोड़ा कड़कपन होता है, अल्हड़पन होता है, लेकिन मन में भाव बड़े उद्भट होते हैं, अद्भुत होते हैं। और माता यशोदा नंद जी ने जब यह समाचार सुना कि अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेने आए हैं तो मैया तो रो पड़ी। मेरी कुबेर जैसी संपदा किसी को चाहिए तो मुस्कुरा करके दे दूंगी, पर गोविंद मेरी आंखों से दूर चला जाए ये तो कभी संभव नहीं है। गोविंद के बिना तो मैं जी नहीं सकती। अक्रूर जिस दिन से कृष्ण आया है मथुरा से,
मेरे गोविंद ने जन्म लिया मेरे यहां, तब से आज तक एक दिन भी कंस ने चैन से कृष्ण को रहने न दिया। मैं काल के गाल में कैसे भेज सकती हूं? बिलाप करती है नंद रानी, बाबा नंद ने कही आप चिंता मत करो थकुर जी, कृष्ण के मित्रों को लेकर के मैं मथुरा जाता हूँ बैलगाड़ी में बैठ के, और आप इनको सवेरे लेके आना। पूरे ब्रज में हवा की तरह बात फैल गई। ब्रजवासी बोले पगड़ी वारो जो आयो है हमारे कन्हैया को लेवे आयो। रात में गायों ने चारा नहीं चरा, लोगों के घर में भोजन नहीं बना, कृष्ण उनका प्राण है, कृष्ण उनका जीवन है, और क्या है इनके पास में। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि ब्रजवासियों का तन मन और धन तीनों तो कृष्ण है, और यही भक्ति का सर्वोत्तम रूप है। क्या हो विधातस्तमन क्वचित्तया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांस्ता कृतार्थान विवरं शपार्थकं विक्रीडितं तेर्भगजिष्टितं यथा। गोपियां विलाप करती हैं, विधाता से बोलती हैं तुम्हारे मन में करुणा नहीं, बड़ा शून्य हृदय है तुम्हारा, बड़ा शुष्क हृदय है तुम्हारा, भक्ति से शून्य है, प्रेम से सूखा है। पहले जीव का मिलन कराते हो, संयोग कराते हो, और मिलन से पहले वियोग भी कर देते हो, क्यों तुम्हारी ऐसी आदत है। अर्भक चेष्टितम यथा, बच्चों जैसी तुम्हारी प्रवृत्ति है, इतना ही महंगा खिलौना बच्चा कब तोड़ दे क्या मालूम। हमें ऐसा प्रतीत होता है विधाता कि कृष्ण को लेने जो आए हैं इनका नाम तो अक्रूर है, पर क्रूर बनकर इनके दिल में तुम ही तो बैठ गए हो। कृष्ण बलराम हमारी आत्मा है, कृष्ण बलराम हमारे जीवन है, और कृष्ण बलराम रूपी आंखों से हमने दुनिया को देखा है, क्यों हमसे दूर करते हो इन्हें। जब देखा कि रथ चलने लगा, नजरानी मूर्छित पड़ी है, गोपियां रथ के पीछे दौड़ने लगी, कभी रथ के सामने लेट जाए तो कभी घोड़ों की लगाम पकड़कर रोकने का प्रयास करें, प्रभु को स्मरण कराएं, आपने ये कहा था, आपने ये कहा था, तुमने ये कहा था कन्हैया, भूल गए सब। गोविंद ने देखा गौशाला की ओर, तब वो कारी काजर धोरी धूमर रंग गुलाबी चिटकन मटकन, मेरे लाडले गोविंद की प्यारी गाय कन्हैया के रथ की ओर देख रही है और नेत्रों से आंसू बह रहे। वृक्षों की डालियों पर नजर डालकर के देखा, जिन पक्षियों की मीठी चहचहाट से नंदगांव गुंजित होता, विशांत भाव से वृक्षों की डाली पर बैठे, ऐसा लगता है मानो ब्रज भूमि रो रही है गोविंद के वियोग में। वो नहीं चाहती कि कन्हैया अपने चरणों का स्पर्श हमसे दूर करें। नजरानी भी दौड़कर के आई, मूर्छा टूटी, गले से लगा लिया कृष्ण को। संत जन कहते हैं कि माने गले लगा के कहा लाला मुकु तो आज पतो चली कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तू तो देवकी नंदन है, अक्रूर ने मुझे सब बताया है, मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं तुम्हें रुकनी का आग्रह कर सकूं। ये ग्वालनी तुमसे विनम्र निवेदन करती है, सिर्फ ये एक दही की मटकी तुमने मिट्टी वाली फोड़ दी, मैंने क्रोध में आके तेरी कमर को उखल से बांध दिया, तो कभी याद करेगा तो क्या सोचेगा, कैसी है मां यशोदा, जरा सी दही की मटकी फोड़ दी तो हमको उखल में ही बांध दिया। याद मत करना इस लीला को, कहते हैं गोविंद चरणों में गिर पड़े और नजरानी के चरणों में गिर के बोले मां मैं ब्रह्मांड की हर चीज विस्मृत कर सकता हूं, और प्रेम के बंधन में मां यशोदा ने मुझे बांधा, ये भूल जाऊंगा तो मेरे पास रहेगा क्या, यही तो मेरे जीने का आधार है तुम्हारा प्रेम, मेरी परम वंदनीया माता यशोदा की प्रेम की डोरी जिसने मुझे बांधने का साहस किया, कौन बांध सकता है।
बार बार कन्हैया अर्जुन करते मां के अंक में लिपट जाते। एवं ब्रुवाण विरातुरावृषम ब्रजस्थिय कृष्ण विषक्त मानस विसृज्य लज्जा रुरुदुस्म सुस्वरम गोविंद दामो धर्मादवेती। जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, रथ की धूल चमकती रही, गोपियां हे गोविंद हे दामोदर हे माधव कहकर विलाप करती रही। जाते जाते गोविंद ने बोल दिया परश्वः आगमिष्यामि, और ये बोलते समय कृष्ण आंसू रोक न सके। तू चिंता मत करे मैया, मैं परसों आ जाऊंगा। जब कि उनको बरसों तक आना तो नहीं था, लेकिन परसों के न कहें तो मर जाएगी मां यशोदा। गोविंद चले गए, ब्रज सूना हो गया। लेकिन हमारे ब्रज के रसिकों की परंपरा में नंद नंदन जो श्री कृष्ण हैं, वो राधा जी के साथ में वृंदावन में रह गए, और उनमें से देवकी नंदन श्री कृष्ण निकल करके मथुरा को चले गए। क्योंकि नंद नंदन कृष्ण तो कभी वृंदावन को छोड़ते नहीं है। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम् न गच्छति, एक पैर भी वृंदावन को छोड़कर के कभी जाते ही नहीं। वो फर्क केवल इतना है, पहले सबको सुलभ थे, अब केवल रसिकों के लिए सुलभ रह गए। अक्रूर जी के मन में कुछ शंका हो गई। यमुना स्नान किया, गोविंद का चतुर्भुज रूप में शेष नाग पर दर्शन किया। नतोस्म नारायणम पुरुष माध्यम यन्ना भी जाता द्रविंद कोशात ब्रह्मा भी राशि यत एष लोक। अक्रूर ने अनेक मंत्रों में भगवान की स्तुति गाई और मन में निश्चय कर लिया कि जिसको मैं बालक समझ करके सोचता हूं कि मैं कहां ले जा रहा हूं, मैंने अनर्थ कर दिया, वास्तव में तो ये जगदीश्वर है। क्या सामर्थ्य इसकी जो इसका कोई कुछ बिगाड़ सके। महाराज रात्रि विश्राम किया, प्रभु ने यमुना बाग में नंद बाबा कृष्ण के मित्र सब वहीं पर है, और मेरे प्रभु प्रवेश कर रहे हैं। बाबा से प्रणाम करके बोले हमने मथुरा में भ्रमण कर रहे जानो चाहे। बाबा बोले जाए तो रहियो पर जल्दी आ जाइयो, काऊ के सारे मत कह दीजो। हाँ, गोविंद प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रासाद शिखरारूढ़ा नित्युत फुल्ल मुखंबुजा अभ्यवर्षं सौमनस्य प्रमदावलकेशव। महल की अटारियों पर खड़े हैं समस्त लोग, माताएं बहनें नारियां, और सुमन की वृष्टि करती हैं, भगवान की झांकी को निहार रही हैं। गोविंद तो अति सुंदर है। एक धोबी मिल गया जिसके पास में कंस के बहुत से वस्त्र हैं। कृष्ण ने अपने मित्रों के लिए उनके आग्रह से वस्त्र मांगे, कुछ विवाद बढ़ा, प्रभु ने उसका कल्याण कर दिया, उद्धार कर दिया। एक दर्जी से मेरे प्रभु ने वस्त्रों को स्वरूप के अनुरूप बनवाया। तथा सुदामनो भवनम माला कारस्य जगमतु, सुदामा नाम के माली के घर पधारे मेरे प्रभु और सबको माल्यार्पण कराया। राजमार्ग में श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं, और राजमार्ग में एक नारी आ रही है, तीन जगह से कमर है उसकी टेढ़ी। अच्छा बोलो जय श्री कृष्ण। दुनिया के लोगों की मनस्थिति बड़ी विचित्र है, हम लोग चमड़ी से व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके चमड़े से खोजने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, सामने से वो नारी आ रही है तीन जगह से कमर टेढ़ी, अपने आप को सभ्य कहलाने का नाटक करने वाले लोग उससे बातें करना भी पसंद नहीं करते। और जैसे ही वो नारी मेरे गोविंद के पास होकर के निकली, त्यदुहानुलेपनम कश्यांगनेवा कथयस्य साधुनः दैहा बयोरंग विलेपमुत्तमं श्रेयस्ततस्ते नचिरा भविष्यति। मेरे गोविंद उसके पास में जाकर के बोले हे सुंदरी जी आप कौन है।
अब सुंदरी नाम सुनते ही महाराज उसका तो कहना क्या, गदगद हो गई। दुनिया में किसी ने मेरा आज तक परिचय नहीं पूछा, ये मुझे सुंदरी बोलते, बड़ी पसंद हो गई। एक बात कह दूं, बहनों के थोड़े रूप की प्रशंसा कर दे तो ये खुश हो जाती हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये महात्मा लोग जो होते हैं ना, ये उम्र को थोड़ा लंबी बताते हैं, कभी कभी तो बड़ी लंबी फेंकते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, 250 वर्ष के हो गए, 300 वर्ष के हो गए, 500 के हो गए, जितना बताते हैं उतना कम है। और जो बहनें होती हैं वो थोड़ा बोलो जय श्री कृष्ण। और बहनों में भी जो 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 फिल्मों में काम करती हैं ना बहनें, हाँ, वो अपना डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं ना, 15 जनवरी का दिन है, पर सन नहीं बताएंगे, बोलो जय श्री कृष्ण। रिटायर होने के बाद बताएंगे ये सन है। रेल में तीन बहनें जा रही थी, वो नर्तकी थी, नृत्य करती थी, थ्री टायर में, ऊपर 45 वर्ष की थी, उसके नीचे की सीट पर 35 वर्ष की थी, और उसके नीचे वाली पे 25 वर्ष की। सामने वाली सीट पर सबसे ऊंचे 85 वर्ष का बूढ़ा बाबा लेटा था और इन तीनों बहनों की बातें सुनते जा रहा था। 45 वाली बोली, मेरा तो 28 पूरा हुआ है, अभी 29 में जाऊंगी, और लोग तो मुझे कहते हैं कि तुम तो अभी 20 के बराबर लगती हो। और जो 35 की थी बोली, नहीं मेरा तो वाकई अभी 20 पूरा हुआ है, 20 हुआ है, अब 21 में जाऊंगी। और जो 25 वाली थी वो कहती है, 16 पूरे होके 17वां मेरा लगेगा परसों से। 85 वर्ष का बाबा जो ऊपर लेटा था, सामने की सीट पे धड़ाम से नीचे गिरा, बोला मैं अभी पैदा हो रहा हूं, हमारा अभी जन्म हो रहा है। निंदा नहीं है, ध्यान देना, थोड़ा स्वभाव होता है। ये महात्मा लोग संत लोग जो लंबी बताते हैं उम्र, हाँ, तो सम्मान बढ़ जाता है। अरे इतना पुराना, अरे कलयुग के पहले से यही थे, हिमालय में चना खा के भजन किया, फिर इतने दिन पत्ते खा करके, फिर इतने दिन हवा पी करके रहे, हिमालय भले ही उन्होंने फोटो में देखा हो। हाँ, ऐसा कुछ नियम है, रीति है। अब सुंदरी नाम सुनते ही बस मत पूछो, वो तो गदगद हो गई, भगवान से हाथ जोड़कर, आपने मेरा परिचय पूछा, कृष्ण बोले आपका ही पूछ रहे हैं हम तो। बोले दास्यास्मि अहम् सुंदर कंस सम्मता, कि दास्यास्मि अहम् सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नामाह्यनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं विनायुभां पुण्यतमस्तदर्हति। मैं कंस की दासी हूं, नाम तो मेरा सैरंद्रिय, पर लोग मुझे कुब्जा बोलते हैं, तीन जगह से कमर टेढ़ी है ना जी, इसलिए लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन मेरे चमड़े को मत देखना महाराज, मदभावितं भोजपतेरति प्रियं, मेरे द्वारा घिसा गया चंदन महाराज कंस को बड़ा प्रिय लगता है, मेरा मन करता है चंदन आपको ही लगा दूं। सो उसने बलराम जी को चंदन लगाया, कृष्ण मित्रों को लगाया, और मेरे कन्हैया के माथे पर जब चंदन लगाया, गोविंद जो है ना, भाव का सागर एक मिनट में उमड़ पड़ता है, टप 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 आंसू बह चले, कृपा की तो मूर्ति है कन्हैया। मन में सोचने लगे, इस बेचारी की चमड़ी गोरी नहीं है तो क्या इसको मानवीय गुणों से जीने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। प्रभु ने कहा मेरे पास में आओ देवी, और जैसे ही वो पास में गई महाराज, मालूम है क्या हुआ, तीन उंगली उसके थोड़ी से लगा के इधर इशारा किया, सोई वो तो सीधी हो गई, बोलो जय श्री कृष्ण। रूप पेशल माधुर्य हस कालाप वीक्षित परम सुंदरी बन गई। बोले बाल कृष्ण लाल की किमुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। कोई बड़ी बात नहीं उसके लिए,
एक एक पल की कंस को समाचार मिल रहा है और यह सूचना मिली कि शिवजी का धनुष जो रखा था करेण बामे न शरीर मुद्रतम गोविंद ने कृष्ण ने वो तोड़ दिया और शिव ने कहा था जो धनुष तोड़ेगा वो तुमको छोड़ेगा नहीं। तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया, रात को नींद नहीं आती है, बड़े बड़े विचित्र सपने देख रहा है। नारद जी आके डरा गए, वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, टेढ़ी टांग वाला होगा, देखने में छोटा पेट में डेढ़ हाथ की ढाड़ी वाला होगा, पता नहीं क्या क्या नारद जी बोल गए थे। सपने प्रेत परिश्रम है, बड़ा विचित्र सपने देखता है कंस। सैनिक बोले आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम लोगों ने एक बहुत सुंदर रंग भूमि का निर्माण किया है और उस रंग भूमि में कृष्ण बलराम आ रहे हैं। आप 50 सिद्धि ऊपर सिंहासन पर बैठेंगे, आपकी आंखों के सामने हम कृष्ण का कल्याण कर देंगे, आप चिंता न करें। बोलो जय श्री। उस रंग भूमि में जाने से पहले कुबलिया पेड़ नाम का हाथी मिला। एक कुबलिया पेड़ हाथी बिल्कुल ऐरावत हाथी जैसे, वो इंद्र का जो हाथी है ना ऐरावत हाथी, इतना ही बलशाली ये कुबलिया पेड़ हाथी है, हजारों हाथियों का इसमें बल है। और जैसे कुबलिया पेड़ हाथी के उसने रोकने का प्रयास किया, पैरों से कृष्ण को मारने का षड्यंत्र था, मेरे कृष्ण बलराम ने उसके दोनों दांतों उखाड़ लिए, हाथी का कल्याण कर दिया और रंग भूमि में श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब देखो लाखों नर नारी, आप लोग जानते हैं कई बार सुना है, लाखों नर नारी जो वहां बैठे हैं उन सबको 11 वर्ष 57 दिन का कृष्ण अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है। भगवान तो एक ही, उसमें तो कोई परिवर्तन होता नहीं, लेकिन हमारी भावना के चश्मा के अनुसार उनके कलर चेंज होते रहते हैं। भगवान रंग भूमि में प्रवेश कर रहे हैं, आइए हम लोग दर्शन करें। बोलो जय श्री कृष्ण।
पहलवान, जो मल्ल पहलवान बैठे थे ना, उनको श्री कृष्ण बड़े तगड़े दिखते, नरों में बर दिखाई देते, नरवर और स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, जितनी वहां स्त्रियां बैठी थी नव युवती, उनको श्री कृष्ण कामदेव के समान सुंदर दिखाई देते हैं। और गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु, जो लोग गोप बैठे हैं वहां, उनको कृष्ण अपने मित्र जैसे दिखाई देते हैं। हाँ, और बिना दांत वाली जो दादी अम्मा जी हैं, उनको श्री कृष्ण नाती पोते के रूप में दिखाई दे रहे हैं, देख लो। और कंस महाराज को तो मौत के रूप में कृष्ण का दर्शन हो रहा है, आई मौत मृत्यु भोज पते। और अभिदशाम विराट, जो नासमझ लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनको श्री कृष्ण साधारण मनुष्य के रूप में दिख रहे हैं। ज्ञानियों को ब्रह्म के रूप में दिखते हैं जी, योगियों को परमात्मा के रूप में दिखते हैं, और भक्तों को भगवान के रूप में दिख रहे हैं। मुष्टिक चाणूर दोनों ने मन में सोचा, बोले हमने तो सुना था 11-11.5 वर्ष का एक बहुत बड़ा भैया, उनको बड़ा दिखता है कृष्ण। फिर भी व्यंग में हंस करके बोले, आइए नंदलाला, बड़ा पराक्रम किया है तुमने, बड़ा बड़ा अच्छा काम किया तुमने, हमारे सैनिक जो यहां से गए सब तुमने अपने गोकुल में नंद गांव में मार दिए धोखे से। तस्मात भवद्भ्याम बल भी योद्भ्यो नान्योत्र, भाई हमसे युद्ध करोगे तो पता चलेगा तुम कितने वीर हो। कृष्ण बोले, लड़बो तो हम पे आवे ही ना, हम तो कबड्डी कबड्डी खेलबो जाने, बालक है ना भाई हम। बोले, नवालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनांबर लील यही भव हतो ये न सहस्रद्युपसत्वभृत। तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो, तुम बलवानों के भी बलवान हो। ये नाटक बहुत करते हो, हमने सुना है, हमारे सामने नाटक चलने वाला नहीं है। बलराम जी को मुष्टिक ने पकड़ लिया, चांडूर ने कृष्ण को पकड़ लिया, युद्ध छिड़ गया, मेरे भगवान ने 7 बार घुमाया, पटक दिया, बलराम जी ने मुक्का मारा, मार दिया, जो जो आते जाए पसराते जाए, सबको बैकुंठ को लोग साकेत भेजते जाए। 50 सिद्धि ऊपर सिंहासन पर महाराज कंस बैठे थे, वहां जाकर गोविंद ने उनके मुकुट को झट से उतारकर सिर के केस पकड़ लिए। और जैसे ही सिर के केस पकड़े महाराज कंस, तो घबरा रहा है, साहस देखो इसका। लेकिन नीचे जितनी माताएं बहनें भाई लोग खड़े थे हजारों, सब कप रहे, डर के मारे थर थर कांप रहे, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। कंस को मेरे गोविंद ने बोल दिया, कुछ मत कहना, सिर्फ मुझे देखना, किए गए कर्मों का परिणाम तो व्यक्ति को भोगना पड़ता है, बिना परिणाम भोगे कभी छुटकारा किसी को मिला है जो हमको मिल जाएगा? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भैया ये तो भोगना पड़ता है, मेरी माता के सिर के केस पकड़कर तुमने खींचा, तुम्हें मालूम ही नहीं था कि लगती है केस पकड़ने से। 50 सिद्धि ऊपर सिंहासन से कंस को पकड़कर गोविंद ने नीचे जमीन पर धाम से पटक दिया, बोलो जय श्री कृष्ण। प्राण निकल गए ऊपर और शरीर गिर गया नीचे। इतना बड़ा काम कर दिया 11 वर्ष और 58 दिन के कृष्ण ने, केवल 11 वर्ष 58 दिन का है कन्हैया। लोग तो सन्न रह गए, ताली बजा में तो मुश्किल, नहीं बजा में तो मुश्किल। हम आपसे कह रहे हैं क्या? हम तो ये कह रहे हैं कि वो ताली बजाएं तो उनको लगता है कहीं नहीं मरा हो, और इसने देख लिया, अच्छा हम तो मर गए, ये ताली बजाते हैं, तो जिसने बजाई उसको छोड़ेगा नहीं। और ताली नहीं बजाएं तो कन्हैया कहेगा, हमने इतना बड़ा काम कर दिया, कोई ताली नहीं बजाता है। पहले तो डर के मारे किसी ने नहीं बजाई, जब मेरे जैसे किसी ने आके कंफर्म कर दिया भाई मर गया है, तब जोर से बजाई, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ देखो, डर लगता है, ऐसे कैसे बजा सकते हैं? हाँ जी हाँ जी कहना, वही काम में रहना। अब कंस के विरोध में रह करके तो बेचारे मथुरा नहीं रह सकते ना फिर। और ताली क्या बजाई, फिर तो ऐसे भव से पार हो जाते उनका नाम लेके,
हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा Thank you.
कथा होती है तो नंदोत्सव का माखन मिश्री प्रसाद, गोवर्धन लीला का विशेष छप्पन भोग प्रसाद सबके घर पैक करके भेजा जाता है। एड्रेस लिखा है सबका, जहां से डोनेशन मिला वहां प्रसाद पहुंचेगा, डोनेशन जहां से नहीं आया वहां प्रसाद काहे को पहुंचेगा। तो हनुमान जी ने सोचा कि जिस जिसने डोनेशन दिया है उसको प्रसाद तो मिलना चाहिए, इसलिए हनुमान जी ने लंका के सब घरों को प्रसाद दे दिया। सारी लंका जल गई, सब घर जल गए, पर विभीषण के घर से तो डोनेशन आया ही नहीं था, न कपड़े का, न घी का, न तेल का, इसलिए एक विभीषण का ग्रहण आई, विभीषण का घर बच गया। मां प्रभु ने प्रसाद नहीं दिया, श्री हनुमंत लाल ने बोलो जय श्री कृष्ण, और बहुत आनंद आकर के सूचना दे दी, चूड़ामणि लाकर के दी। फिर तो महाराज बुद्धे को बड़ी सुंदर पद्धति से शंकर जी की स्थापना हो गई, शिव स्थापना हुई बड़ी मंगल विधि से।
ष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति।
भगवान शिव का ये मंगल स्थापना हुई। लंका में सेना पधारी, राम रावण योर युद्धे, राम रावण योरिव, राम और रावण का जो युद्ध है वह राम रावण के समान हुआ। देखो माता जानकी जी के हरण से पहले राम जी ने सच्ची जानकी से कहा, तुम पावक मह करहु निवासा, अब मैं कुछ मनुष्य लीला करना चाहता हूं, देवी तुम अभी अग्नि में चली जाओ। माता जानकी अग्नि प्रवेश कर गई और एक छाया की दिव्य जानकी राम जी को मिल गई। तो अब तक जितनी लीलाएं हुई सीता हरण से लेकर रावण वध तक, ये सब छाया की जानकी थी। रावण का उद्धार करने के बाद में वो छाया की जानकी अग्नि में प्रवेश कर गई और सत्य जानकी अग्नि से निकल करके आ गई। बोलो जय श्री कृष्ण। दशरथ जी महाराज ने आकर के आशीर्वचन कहा और कुबेर महाराज ने अपना पुष्पक विमान रघुनंदन को समर्पित कर दिया। संपूर्ण सेना को लेकर के राम जी श्री अयोध्या को पधार रहे हैं। 14 वर्ष में अयोध्या में किसी नए बालक ने जन्म नहीं लिया, न तो 14 वर्ष में किसी का जन्म हुआ और दशरथ जी के अलावा न 14 वर्ष में किसी की मृत्यु हुई। जन्म तो इसलिए नहीं हुआ कि 14 वर्ष तक सभी ने संयमित वनवासियों जैसा जीवन जिया, और मृत्यु किसी की ही इसलिए नहीं हुई कि राम के दर्शन के बिना प्राण अब निकलेंगे कैसे। आज अयोध्या पुनः दुल्हन की तरह सजी है, राम जी आ रहे हैं इस खुशी में, और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, माताओं को वंदन किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्हा, राम जी को प्रथम तिलक आदरणीय वशिष्ठ मुनि ने किया। आनंद मना और 13,000 वर्षों तक राम ने प्रशासन किया पूरी अयोध्या पर, भारत पर, और फिर सबको अपने विमान में बिठा करके राम जी और देखो सीधे साकेत को प्रस्थान कर गए। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। देखो राम का है चरित्र और कृष्ण की है लीला। अब हम लोग कृष्ण लीला में प्रवेश करेंगे तो जब तक राम के चरित्र की मर्यादा अपने जीवन में उतारेंगे नहीं तब तक कृष्ण लीला में प्रवेश कैसे मिल सकता है। पहले राम कथा को सुनो, राम के चरित्र की मर्यादा का चश्मा आंखों पर लगाओ, फिर कृष्ण लीला में तुम्हें प्रवेश मिलेगा। जो कृष्ण की जो लीला है वो तो बड़ी अद्भुत है सज्जनों। मां तो ब्रह्मा की बुद्धि फेल मार जाती है, शिव जी चकरा जाते हैं, हो क्या रहा है। पर राम के चरित्र की मर्यादा का चश्मा यदि लगा रहेगा आंखों पर तो कृष्ण लीला हमारी समझ में आएगी। बस अंतर दोनों में कुछ भी नहीं है, राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही, कोई अंतर थोड़ी ना होता है। अरे भाई राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम के नेत्रों में गंभीरता है, मेरे गोविंद के नेत्रों में चपलता है। राम की मर्यादा आदरणीय है, कृष्ण की लीला वंदनीय है। राम ने जो किया है जीवन में उतारो, कृष्ण ने जो कहा है जीवन में उतारो, जीवन धन्य हो जाएगा। पर दोनों में अंतर कभी मत समझो। दास रघुनाथ का, नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। बोलो जय श्री कृष्ण। हम लोग तो भागवत भी करते हैं, राम कथा भी करते हैं। जब राम कथा करते हैं तो लगता है मेरा मुरली वाला ही तो धनुष बाण लेके खड़ा है, और जब कृष्ण लीला सुनाते हैं भागवत में तो लगता है वो राम जी तो मुरलीधर बन के आए, एक ही बात है। दास रघुनाथ का, नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का, नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का, नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का, नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी उधर भी रहा। सुख मिला से
Thank you.
विचित्र है और गोविंद की लीला बड़ी अद्भुत है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान राम के चरित्र का सुंदर व्याख्यान किया। राम की लीला देखो, राम का चरित्र सुने बगैर कृष्ण लीला में प्रवेश तो मिल सकता नहीं है। राम का चरित्र सुनोगे तो कृष्ण लीला में प्रवेश मिलेगा। आइए हम लोग कृष्ण लीला की ओर प्रवेश करें, हम लोग कृष्ण चरित्र की ओर प्रवेश करें। बोलो जय श्री कृष्ण। तो मैं निवेदन कर रहा था कि रमन्ते योगिनो स्मिन्नति रामः, योगियों के हृदय में जो रमन करता है उसे राम कहते हैं। रम क्रीडायाम धातु से राम शब्द व्युत्पन्न होता है। रम क्रीडायाम धातु से राम शब्द व्युत्पन्न होता है। अथात श्रूयतां राजन् वंश सोमस्य पावन यस्मिन् नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। ध्यान से सुनना परीक्षित, मैं तुम्हें चंद्रवंश का व्याख्यान करता हूं। जिस चंद्रवंश में बड़े बड़े यशस्वी राजाओं का प्रादुर्भाव हुआ है, भगवान राम सूर्य वंश में पधारे, मेरे गोविंद चंद्रवंश में प्रकट हुए। नारायण के बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटे अत्रि और अत्रि के चंद्रमा, इसी वंश में आगे चलकर के दाधी हुए। उनकी बेटी का विवाह ऋचिक मुनि से हुआ, जिनके पुत्र जमदग्नि और उनके फिर हुए पांच पुत्रों में एक परशुराम। लेकिन ऋचिक मुनि की कृपा से गादी के घर जो पुत्र हुआ उसे विश्वामित्र कहते हैं। विश्व से आसमंतात मित्र विश्वामित्र। इसी वंश में आगे नहुष हुए, नहुष के राजा जजाति हुए। जजाति महाराज की दो पत्नियां हैं, एक है देवयानी, दूसरी है शर्मिष्ठा। यद्यपि शर्मिष्ठा का विवाह नहीं हुआ था, देवयानी शुक्राचार्य की बेटी है, शर्मिष्ठा राजकुमारी है। क्योंकि शर्मिष्ठा ने देवयानी को कूप में डाल दिया था, इसलिए शर्मिष्ठा दासी बनकर के दंड के रूप में देवयानी के घर पधारी। पर मन की गति बहुत विचित्र है, राजा मन को काबू न कर सके और उन्होंने दासी को भी अपनी पत्नी बना लिया। और विचित्र बात, पत्नी के हुए दो पुत्र, दासी के हुए तीन पुत्र। यदुं चतुर्वसुं चैव देवयानिभ्य जायत गृहीयुं चानुं च पूरुं च शर्मिष्ठा वर्ष पर्वणि। यदु और तुर्वसु दो पुत्र हुए देवयानी के, और शर्मिष्ठा जो दासी बनकर गई उसके तीन पुत्र हुए। शुक्राचार्य नाराज हो गए, बूढ़ा बनने का शाप दे दिया। अच्छा प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। बूढ़ा बनने का शाप दिया। जयाति ने कहा मैं वृद्ध हो गया तो आपके ही बेटी कोई तो तक, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब अपने पांच पुत्रों में से तुम एक की युवावस्था लेकर काम चलाओ। प्राचीन भारत में ऐसा होता था, असमय में कोई व्यक्ति यदि वृद्ध हो जावे तो किसी की युवावस्था 10-20 वर्ष के लिए उधार ले सकता था। बोले कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां शोभय वंशानां चरितं परम अद्भुतम्। मुझे पूरा कृष्ण चरित्र सुनने की इच्छा थी, सारी कथाएं मैंने बड़े संक्षिप्त रूप में सुनी, और वो कृष्ण चरित्र सुनाने का समय आया तो आप तो पहली बोल कर चुप हो गए। महाराज ऐसा मत करें, पिता महामय समरे मरंजयी देव व्रताद्यास्तिरथैस्तिमिंगलई दुरप्तियम कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरण वत्स पदम स्मयत प्लवाह। राजा परीक्षित कहते हैं मेरे पितामह जो पांडव थे, बाबा, पांच भाई थे, थोड़ी सेना थी,
लेकिन कौरवों के सेना रूपी सागर से भिड़ गए और कौरवों के सेना रूपी सागर में बड़ी बड़ी तिमिंगल मछलियां भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य आदि, लेकिन मेरे बाबा पांडवों ने कृष्ण के चरण रूपी नौका का आश्रय ले लिया तो ऐसे पार कर गए उस कौरवों के सैन्य सागर को जैसे कोई गाय के बछड़े के कुरु के गड्ढे को पार करता है। उनकी कथा में संक्षिप्त सुनूं यह कभी नहीं हो सकता, आप तो जरा विस्तार से बताइए। मैं आपकी शरण में हूं महाराज और मेरा तो आपके प्रति बड़ा गुरुतुल्य भाव है, आप तो गुरु हैं सबके। और देखो गुरु जैसा भाव आ जाए कुछ बिगड़ता थोड़े ही है, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। सुनो ऐसा भागवत में लिखा है कि स्वर्ग में किसी को सुख चाहिए तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, और यहां मृतलोक में किसी को सुख चाहिए तो पारसमणि ले लो हाथ में, पारसमणि को लोहे से लगाते जाओ सोना बनाते जाओ सब कुछ मिलेगा। लेकिन स्वर्ग का कल्प वृक्ष और यहां की पारसमणि सुख तो दे सकते हैं पर भगवान को नहीं मिला सकते, वैकुंठ नहीं दे सकते। पर प्रियच्छत गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलने वाला जो वैकुंठ है, वैकुंठ दिला देते हैं, गोविंद की शरणागति प्रदान कर देते हैं। इसलिए गुरु का महत्व तो भगवंत से भी पहले है। बोलो जय श्री कृष्ण। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न पर ध्यान देना झुक जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद।
बहार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। तो कृपया भक्तों को थोड़ा थोड़ा आगे सरकने के लिए कहें। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। सुनते भी रहो, प्रेम की मंजिल की राही कष्ट पाते हैं जरूर,
पर बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार, रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। भौरा फंस गया कमल के फूल में, सूर्यास्त होते ही बंद हो गया। देख कर काली निशा को ए भ्रमर मत हो निराश, बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले घनश्याम का, तेरी सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। बात करता हूं और ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें बंद करके भगवान से कॉन्टेक्ट कर लिया, मन का कनक संजोड़ा और बोले वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर। पुराण पुरुषोत्तम नारायण वसुदेव के घर मथुरा में अवतार लेंगे और उनकी जो भगवती माया है वो यशोदा के घर बेटी बन करके आएगी। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए बेटी, और हम देवताओं का भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग सब चलें। और भगवान के यदुवंश में कोई बेटा बने, कोई बेटी बने, कोई ऐसे भगवान की लीलाओं में सहयोगी बन जाए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। धीरे धीरे द्वापरांत आया, मथुरा में एक बड़े तपस्वी राजा हुए, नाम है उनका उग्रसेन जी महाराज। इनके छोटे भाई का नाम है देवक महाराज। राजा उग्रसेन जी की संतति नहीं है, बड़े चिंतित हैं। मथुरा के बगल में सौरी गांव के राजा हैं सूरसेन महाराज, उनके घर पुत्र हुआ बसदेव। अब उग्रसेन की पत्नी के यहां भगवत कृपा यज्ञों के आशीर्वाद से पुत्र तो हुआ, पर बड़ा भयंकर वेश वाला है। उग्रसेन बोले पुत्र जन्म की खुशी मुझे तब होगी जब ये पता चल जाए कि ये बालक संत भक्त होगा कि नहीं। बोले ये बालक तो तुम्हारे खानदान को खत्म कर देगा, दुष्ट होगा, दुराचारी होगा, अधर्मी होगा और अपने से श्रेष्ठ किसी को मानने वाला नहीं होगा। बड़ा आश्चर्य उग्रसेन बोले ऐसा पुत्र नहीं चाहिए, लता पत्रों में लपेट के यमुना में प्रवाहित कर दिया। बसदेव के पिता सूरसेन नहा रहे थे, सूरसेन जी ने उस बच्चे को गोदी में लिया और कंस और बसदेव साथ में पलते। जब उसको पता चला कि मैं सूरसेन का नहीं, मैं तो उग्रसेन का बेटा हूं, घर छोड़कर हिमालय पर चला गया। भगवान शंकर के चरणों में प्रार्थना की। शिव जी बोले क्या चाहिए? बोले हम अजर अमर हो जाएं, ऐसा आशीर्वाद दे दो। शंकर जी बोले ऐसा वर देना तो आजकल हमने बंद कर दिया, तुम लोग हम लोगों से वर लेते हो, वापस हम लोगों को तकलीफ देते हो, पर तू मेरी शरण में आया है, एक काम हो सकता है। क्या? बोले तू भगवान के हाथ से मरेगा, मनुष्य के हाथ से नहीं, और ये धनुष लेके जा, इस धनुष को नारायण के अलावा कोई तोड़ सकता नहीं, और जो धनुष तोड़ेगा वो तुमको छोड़ सकता नहीं। कंस ने बड़ी भारी सेना एकत्रित कर ली। हाँ, अघासुर बकासुर व्योमासुर अरिष्टासुर केसी धनुकासुर, और मथुरा पर चढ़ाई कर दी, ब्राह्मणों का अपमान किया, संतों का अपराध किया, पिता और चाचा ने विरोध किया, दोनों को पकड़ के जेल में डाल दिया, ढिंडोरा पीट दिया, मैं ही भगवान हूं, कोई विष्णु यज्ञ नहीं होगा, कोई नारायण यज्ञ नहीं होगा, होगा तो कंसाय स्वाहा, कंस महायज्ञ मेरा यज्ञ करे। पर कंस ने अपने चाचा जी की बेटी देवकी को देखा तो मन में बहुत उदास हुआ, ये बहन मुझसे बहुत डरती है, मेरे पास में भी आती नहीं, कहती है भैया कंस बड़ा दुष्ट है, पर मैं इसके जीवन में पिता की कमी खलने नहीं दूंगा। वसुदेव जी के साथ में देवकी का परिणय हो गया। ये वसुदेव की सातवीं पत्नी है देवकी, कौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला और देवकी। कंस ने पिताजी और चाचा जी से कहा कन्यादान करना है क्या? बोले हाँ, तो निकलो। जेल से निकाल के कन्यादान करवाया। महाराज देवक ने बड़े दान किए, हजारों हाथी, हजारों घोड़े, कितने दास दासियां। बड़ी प्रसन्न है महारानी देवकी वसुदेव को पाकर।
और जैसे बसदेव जी को विदा करने के लिए कंस स्वयं रथ को चला रहा है, मैंने कहा था ना आपसे कि हमारी माताओं का और देवताओं का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा होता है। देवता भी किसी बात को ज्यादा दिन तक हृदय में छुपा के नहीं रख पाते, हमारी बहनें भी किसी बात को हृदय में ज्यादा दिन तक नहीं छुपा पाती हैं। ये निंदा नहीं है, इनके कोमल हृदय की महानता का वर्णन है। बोलो जय श्री कृष्ण। आपने कोई बात पत्नी से कह दी, किसी से मत कहना, किसी से मत कहना, आपने कह दिया तो ज्यादा गलती कर दी ना जी। अब तो 24 घंटे ये सोचें किसी को कहना नहीं है, पति देव ने मना किया, ना 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 बिल्कुल नहीं कहना है, और वो बात उनके हृदय से जरूर निकल जाती है। ये कोमलता है, स्वभाव है। और आदरणीय युधिष्ठिर जी का शाप भी तो लगा है, कथा बड़ी अच्छी है। अब थोड़े चुप रहे आते तो क्या बिगड़ जाता, देवता लोग रहना नहीं जानते चुप। कंस बहन देवकी को विदा करने जा रहा है, देवता बोल गई कि पति प्रग्रहिणम कंसम, पति प्रग्रहिणम कंसम आभाष्या शरीरवा अस्यास्तामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध। अरे कंस, जिस बहन देवकी को विदा करने जा रहे हो तुम, इस देवकी का आश्रम गर्भ तेरा कहां होगा। अपने शरीर को आत्मा मानने की गलती करने वाले व्यक्ति अपने शरीर की सुरक्षा में कोई भी बाधा बने उसको मारने में संकोच का अनुभव नहीं करते, चाहे वो कितना ही प्रियजन क्यों न हो। देवकी को रथ से नीचे खींच लिया, देवकी जिंदा न रहेगी तो मेरा काल जन्म लेगा, कहां से मारने को उद्यत हो गया। बसदेव ने कहा अच्छी बात नहीं है, श्लाघनीय गुण शौरेर भवान भोज यशस्कर। इतने बड़े पराक्रमी अतिरथी वीर आप बहन को तलवार से मारें, ये अच्छी बात नहीं है। कंस ने कहा आपने सुना नहीं, मेरे काल को जन्म देगी देवकी, कहां जाओगे काल से बचकर। ये मृत्युर्जन्म बताम वीर देहे न सह जायते अद्यवाब्ध सताम तेरवा मृत्युर्वई प्राणिनाम ध्रुव। आज कल परसों हजार वर्ष बाद भी मरना तो सबको पड़ता है, क्योंकि हमारी खास बहन का नाम है मृत्यु। मौत से बचा है आज तक कोई? कितने तहखाने में चले जाओ, कितने ही आकाश में उड़ जाओ, कितने ही च्यवनप्राश खा लो, कितना ही केसरी जीवन खा लो, अब तो सोना चांदी और बन गया है। बोलो जय श्री कृष्ण। स्वर्ण भस्मी मोती पिष्टी, भाई जी कुछ भी खा लो मरना तो पड़ेगा, क्योंकि मृत्युर्जन बताम वीर देहे न सह जायते। हमारे शरीर के साथ में मौत जन्म लेती है और मरना पड़ता है। कौन बचा है आज तक? कबीर जी इसी श्लोक का रूपांतर किया है। कबीर जी की कविताओं में भागवत के 30% श्लोकों का ट्रांसलेशन है। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस और ग्रंथों में भागवत के 70% श्लोकों का बिल्कुल ट्रांसलेशन है हू बहु। तो ये श्लोक जो यहां कहा है बसदेव जी ने, मृत्युर्जन्म बताम वीर देहे न सहजायते अद्यवाब्द सदाम तिरवा मृत्युर्वई प्राणिनाम ध्रुव, इसी का ट्रांसलेशन करते हैं श्री कबीरदास जी। कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। मरना सबको पड़ता है, पर देवकी से तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम्हें देवकी के पुत्रों से भय है। मैं वचन देता हूं जितने पुत्र जन्म लेंगे मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा। 8 बालक नहीं हो जाए जेल में रहना पड़ेगा मंजूर है साहब। 5 पत्नी बस देव की महल में रहती हैं, ससुर जी देख रेख करते हैं, बड़ी पत्नी रोहिणी यशोदा की सहेली हैं वे गोकुल में रहती हैं, और माँ देव की बस देव के साथ कारागृह में बंद बन गई। पहले बालक ने जन्म लिया, दुष्ट कंस ने मार दिया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा भी मार दिया। देवकी के गर्भ में जो सातवां बालक आ रहा है वो लक्ष्मण जी हैं। रामचरित्र में लक्ष्मण थे ना,
अपने मन के मुताबिक भगवान की सेवा न कर सके, इसलिए वे अब कृष्ण अवतार में बड़े भाई बलराम बन के आ गए। क्योंकि बड़ा भाई बनूंगा तो डांट कर भी सेवा करता रहूंगा। हाँ, चुपचाप सोते रहो, हम जो करते हैं सो अच्छा कर रहे हैं, गोविंद को गोद में सुला लिया और बड़े भैया पंखा कर रहे हैं, क्या बोल सकता है कोई। भगवान ने देखा कि मेरे भाई का अवतार होने वाला है, योग माया को बुला के कहा हमारे काम कर दो देवी। योग माया बोली क्या काम है, बोलो भगवान जी। बोलो देवकी माता के गर्भ में जो सातवां बालक है ना, इनको तुम देवकी के गर्भ से स्थानांतरित कर दो और गोकुल में रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। तुम यशोदा के पास कन्या बन के सो जाना, जब मुझे बसदेव जी लाए तो मुझे वहां सुला देंगे, तुमको लाके कंस को दे देंगे। योग माया जी यदि तुमने ये काम कर दिया ना तो मेरा आशीर्वाद है। कि नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नराभुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। कलयुग में तुम्हारी बड़ी प्रतिष्ठा होगी, बड़ा तुम्हारा नाम होगा, दुर्गा मैया शेरा वाली पहाड़ा वाली ज्योता वाली, बड़े तुम्हारे नाम होंगे। दुर्गे ति भद्रकाली ति विजया वैष्णवी ति च, वैष्णव माता और रोहिणी का भी पुत्र है। आधा टाइम इधर रहे, आधा टाइम रोहिणी के गर्भ में रहे, इस मर्म को कोई समझा नहीं। कंस ने पूछा भाई सातवां क्या हुआ। सैनिक बोले हमको सूचना मिली है सातवां बालक गर्भ में ही खत्म हो गया। कंस बोले अच्छा हुआ ना, मेरे को मारना पड़ता अपने मर गया। अब आठ माह होने वाला है, बड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं, हजारों सैनिक सुरक्षा में लगे हैं। आहा, देवताओं को पता चला कि हमारे परमात्मा देवकी माता के गर्भ में पधारे। अच्छा, आजकल लोग बड़ी शंका करते हैं, हाँ कलयुग के पाखंड से लुप्त होए सदग्रंथ, दम्भी निजमति कल्प कर प्रकट किन न बहुपंथ। लोग ये तर्क बड़ा करते हैं, गली गली में नए नए धर्म पैदा हो गए ना अभी। हाँ, एक आदमी बोले क्यों जी, आप भागवत करते हो, आपसे कुछ शास्त्रार्थ करना है। हमने कहा हमने शास्त्र ही नहीं जानते तो अर्थ क्या बताएंगे भैया। हाँ, बोलिए बताओ भगवान कभी किसी के गर्भ में आता है क्या। मैंने कहा गर्भ में आने से जो भगवान नहीं रहे वो भगवान ही किस काम का। हम तो कहते हैं एक दो दिन नहीं, एक दो महीना नहीं, पूरा 9 महीने भगवान गर्भ में आके रहते हैं, फिर भी वो 120% भगवान है। बोलो जय श्री कृष्ण। 100% नहीं, 120% भगवान भगवान। गीता में गोविंद कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्त्वतः, मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है, इसलिए जिस गर्भ में भगवान आते हैं वो गर्भ भी दिव्य है। और एक बार गर्भ बड़ा रो रहा था, ये महात्मा संत प्रवक्ता सब मेरे पीछे पड़ गए, थोड़ी सी कथा भी करेंगे तो भाई वेदांत बखानेंगे, ऐसा कर्म करो आने जाने का चक्कर छूट जाए, ऐसा कर्म करो गर्भ में कभी नहीं आना पड़े, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, यही उपदेश ज्यादा करते हैं। तो गर्भ रोता रोता कन्हैया से बोला मैं इतना बुरा हूं तो आपने मुझे बनाया क्यों। भगवान बोल टेंशन नहीं लेते, सारी दुनिया तुम्हारी निंदा करती है, लेकिन मैं जब गर्भ में आऊंगा तो देवता भी तुम्हारी स्तुति गाएंगे। इसलिए भागवत के 10वें स्कंद का जो दूसरा अध्याय अभी चल रहा है, इस अध्याय का नाम है गर्भस्तुति। विष्णु स्तुति नाम नहीं है, गर्भस्तुति। मेरा गोविंद जिस पर कृपा कर दे। आहा, एक आदमी मेरे से बोला कि हम तुम्हारा श्याम बाबा के बड़े भक्त हैं, श्याम बाबा जगदीश्वर हैं। मैंने कहा मेरा कन्हैया जिस पे हाथ धर दे उसी को भगवान बना दे। बोलो जय श्री कृष्ण। उसको लगता क्या है, जिसके सिर पे हाथ रखा वो भगवान का भी बाप हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जिस पर मुरलीधर की कृपा बरस जाए, श्याम बाबा तो बर्बरीक हैं, भीमसेन के पोता हैं। श्याम बाबा के जागरण बड़े होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार मुझे बुलाया, जागरण चल रहा था श्याम बाबा का, ठाकुर जी फीता, मैंने कहा हाँ आ जाएंगे फीता काटने, दीपक भी जला देंगे और हम सुनेंगे भी। अब मैं वहां बैठा उनके जागरण में, दिल्ली की बात है, मुझे बड़ा प्यारा लगा, बड़ा मीठा मीठा गा रहे थे।
शीश के दानी कमरा भर दे, शीश के दानी सोना दे दे, शीश की दानी मेरा महल बनवा दे, शीश के दानी मेरी नौकरी लगवा दे, शीश के दानी बेटा दे दे, शीश के दानी झोली भर दे। दो घंटे तक मैंने सुना, जब जाने लगा तो बोले आप दो शब्द बोलो। मैंने कहा तुमने बाकी नहीं छोड़ा, मैं बोलूं क्या, सब तो तुमने ही मांग लिया, कमरा तुमने भरवा लिया, झोली तुमने ले ली, बेटा नाती पोता संती पंती सब तुमने मांग लिए, पर एक बात बताओ, दो घंटे के तुम्हारे कीर्तन में सिवाय मांगने के तुमने दूसरा कोई काम किया? अरे श्याम बाबा को कभी चैन से भी रहने दो भाई, मांगना नहीं चाहिए, बिना मांगे वो देगा जो तुम सोच भी नहीं सकते, ये तो मेरे गोविंद का कृपा प्रसाद है। तुम कुछ मत मांगो तो वो मिलेगा जो तुमने सोचा नहीं था, और मांगोगे तो वही मिलेगा जितना मांगा है, क्योंकि वो तो दिल में बैठा है, वो सब सोचता है। रही मन वो नर मर चुके जो कहूं मांगन जाए। मांगना क्या है? भरत जी महाराज ने कहा, त्रिवेणी जब प्रयागराज ने कहा मांगो, तो भरत ने क्या नहीं चाहिए वो पहले कहा। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। मुझे धन नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, तो क्या मांगा? वही मांगा जो सबको मांगना चाहिए। यदि मांगना है तो ये मांगो कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नवान। ये वरदान मांगो, वैष्णो माता को प्रार्थना करो, राम जी को वंदन करो, वैष्णो मैया के चरणों में प्रणाम करके बोले ऐसा वर दे दो माता कि गोविंद का भजन और ज्यादा गाऊं, मेरे मुरलीधर का कीर्तन और ज्यादा हो। भाई वो क्या मांगना? और रामचरितमानस में तो लिखा है कि जा दिन से हरि गर्भ ही आए। राम जी पूरे 9 महीना माता कौशल्या के गर्भ में रहे, फिर भी वो भगवान है, यही तो भगवान की भगवत्ता है। वो जन्म लेकर भी अजन्मा है, अजन्मा होकर भी जन्म लेने वाला हो सकता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, इसीलिए तो उसका नाम ईश्वर है। देवताओं को पता चला भगवान अवतार लेने वाले हैं, सबने आकर गोपाल की स्तुति गाई। सुनो, हम लोग भी स्तुति गाते हैं, और स्तुति में एक बात जरूर कहना है, महाराज हम 2:30 बजे से पीले पीले कपड़े पहन के बैठे, आप जल्दी पधारो, जल्दी अवतार लो, सुमाखन मिश्री मिले, ये प्रभु से करो प्रार्थना। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम शरणागतं कृष्णा। Shalimar Bagh Bhagwat Katha।
और वहां से चले गए। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। देखो भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार रात के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र माता देवकी के यहाँ पर मेरे गोविंद का प्राकट्य हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजं शङ्खगदर्युदायुधं श्रीवत्सलक्ष्म्यं गलसोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशौभगं तम् अद्भुतं बालकं अम्बुजेक्षणं दृष्ट्वा। उस अद्भुत बालक को देवकी वसुदेव ने देखा। छोटे छोटे चरण हैं, चार भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, वैदुर्ज मणि का हार है, शंख जैसी ग्रीवा है, बहुत सुंदर तोता जैसी नाक है, मोती जैसे दांत हैं, कितनी सुंदर कन्हैया की झांकी, बिल्कुल श्याम वर्ण की दिव्य अंग कांति है। श्याम इसीलिए तो नाम है इनका, श्याम वर्ण है जी। देवकी वसुदेव दोनों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई, बहुत लंबी स्तुति है। अब जब स्तुति हो गई, भगवान बोले, आप लोगों ने मुझे स्वयं व मनवंतर में पुत्र रूप में चाहा, तो मैं बन गया आपका बेटा प्रश्नी गर्भ, क्योंकि आप थे प्रश्नी और ये थी सुतपा। दूसरी बार आप दोनों बने कश्यप पद्धति, तो मैं आपका बेटा बामन बन के आ गया। तीसरी बार आप दोनों बन गए वसुदेव देवकी, अपन कृष्ण बन के आ गए। मैया बोली, हमने तो पुत्र बन के आने को कहा था, आप तो पिताश्री के रूप में आए, चार भुजा बाला कोई बेटा होता क्या? भगवान बोले, सुदर्शन चक्र तो हम इसलिए लेके आए माता कि मामा जी मारने को चले आते हैं ना तुरंत, मैंने सोचा जो काम 11 वर्ष के बाद में करेंगे हम तो आज ही कर देंगे, तो हम तो सुदर्शन चक्र ले आए।
लेकिन सुदर्शन चक्र बालक को गोद में लेके दूध पिलाने में शर्म आती है और डर भी लगता है, छोटे बन जाओ ना। भगवान बोले देखो हम छोटे बन गए ना तो फिर आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी, पर हम आपकी रक्षा नहीं कर देंगे देख लो। हाँ, क्योंकि हम जब बालक बनते हैं तो बिल्कुल बालक बन जाते हैं रजिस्टर्ड, फिर आपको रक्षा करनी पड़ेगी मेरी। सोच लो अभी तो कंस आया तो मैं मार ही डालूंगा उसे, लेकिन हम कैसे रक्षा कर सकते हैं। भगवान बोले अभी हमको गोकुल में पहुंचा दो। माता यशोदा ने अभी एक नन्ही सी बालिका को जन्म दिया है, बस हमको ले जाके उधर सुला देना और बालिका लाके कंस को दे देना। अरे महाराज, हथकड़ी लगी है, बेड़ियां लगी हैं, ताले डबल डबल लगे दरवाजों पे, हजारों सैनिक खड़े, कैसे लेके जाएं। बोले परवाह नहीं, जीव जब मेरा आश्रय लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं, तो मेरा काम ही बंधन खोलना है। फिर हम गोकुल में माखन मिश्री खा के जरा मोटे ताजे तगड़े बनकर के आएंगे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो महाराज ये परिस्थिति बन गई, वसुदेव जी लेके जा रहे हैं, बैठ जाओ, भगवान को मत देखो, मेरी तरफ देखो। हाँ, और सुनो, हमारी तरफ नहीं देखोगे ना तो हम जन्म होने ही नहीं देंगे। हाँ, वो तो हमारे ही हाथ में है ना, और हम तब होने देंगे जब हमारे मुंह देखोगे, इसलिए पीछे नहीं देखते। वसुदेव जी लेकर चले, ताले सब खुल गए, चट चट करके ताले खुल गए, दरबान सब सो गए। देवकी मैया ने गोद में लेके एक बार तो दूध पिला दिया, उसी समय चंद्रमा आकाश में प्रकट हुआ और भगवान का दर्शन कर रहा है। मंद मंद पवन चल रही है और बरसात भी होने लगी। यमुना पार करके वसुदेव जी जा रहे हैं तो यमुना कृष्ण की पत्नी चरण छूने को ऊपर उठी, भगवान ने अपने चरणों को लटका दिया, यमुना स्पर्श करके नीचे चली गई। बड़े बड़े भाव यहाँ संतों ने लिखे हैं। मार्गम ददौ सिंधुरिव श्रियपते, भगवान को मार्ग मिल गया। वसुदेव जी गए तो गोकुल में नदरानी की बगल में नन्ही सी बालिका सोई है। अब उस बालिका की बगल में गोपाल को सुला दिया। बालिका को लेकर के वसुदेव जी आए और जैसे ही मथुरा में आए तो दरवाजे भी बंद हो गए, दरबान भी जग गए और हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां भी लग गईं। मतलब क्या है, भगवान जब थे तो सारे बंधन खुल गए थे। बोले जीव जब भगवान का आश्रय लेता है तो बंधन खुल जाते हैं, और भगवान को छोड़कर माया को पकड़ता है तो फिर बंध जाता है। माया बांधती है, मेरा कन्हैया खोलता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये परिस्थिति बन गई। वसुदेव जी लेकर के गए, कंस ने उस कन्या को हाथ से पकड़कर छुड़ा लिया, पत्थर पर पटकने लगा, अनंत आकाश में चली गई, वो अष्टभुजी देवी बन गई। कि किं माया हतया मंद जात खलु तमांत कृत यत्र क्ववा पूर्व शत्रु माहिंसी कृपनंद्रता। कोई माता खड़ी नहीं हो भगवान के ऊपर, कोई फूल मत बरसा, नहीं फूल मत बरसा, आंख में लग जाए, छोटे से हैं अभी कन्हैया, आपको तो भक्ति उमड़ती है, उनके आंख में लग जाएगा, इसलिए शांति से बैठे रहो। वसुदेव जी कब अदला बदली करके चले गए किसी को पता ही नहीं चला, किसी को पता नहीं चला। और सुनो, अब यहां नंद बाबा की बहन है नंदा और सुनंदा, पहले से पता चल रही थी कि लाला होगा। सुनंदा जी सवेरे 4 बजे नंदरानी के महल में गई और महल में देखा तो यशोदा मैया की बगल में कोई नन्हा सा बालक सोया हुआ है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। नन्हा सा बालक सोया है, सुनंदा ने चदरिया हटा करके लाला का दर्शन किया। बोली है गयो है गयो है गयो है गयो, ऐसे कहने लग गए। ये समाचार सबसे पहले भैया नंद जी को सुनाऊंगा। नंद जी ने लाला के जन्म का समाचार सुना, यमुना जी में डुबकी लगाई, पीतांबर पहना, बगलबंदी पहनी, 84 गज की पगड़ी बांधी और सांडिल्य मुनि को जाकर के सूचना दी। ब्राह्मणों को लेकर के सांडिल्य मुनि पधारे, ब्रजमंडल 6 महीना पहले से सज रहा था। ओम सतीना इंद्रो वृद्धस्रवाः सतीना भूखा विश्ववेदाः सतीनस्तारिक्षो अरिष्टानेमिः सतीनो बृहस्पतिर्दधातु।
गोपियों को पता चला नंद बाबा ने 200,000 गायों का दान किया, छोटी छोटी बालिकाएं भी सज रही हैं। अब बहुत शांति से सुने प्लीज, जैसी शांति से आप सुने ना अब, ऐसे सुनना बहुत आनंद आएगा। हमारे शालीमार बाग के श्रोता तो फर्स्ट क्वालिटी वाले हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ तो महाराज देखो गोपियां सजकर आ रही हैं। एक दादी जी सजी 95 की, ओठ वाली चीज आंख में लगा ली, आंख वाली ओठ में लगा ली, 84 गज के लहंगा पहने। गोपियां समृष्ट मणि कुंडल निष्क कंठ चित्रांबरा पथसिका चितमाल्य वर्षा, बड़े सज धज करके सब गोपियां आ रही हैं। ब्रजवासी भी पगड़ी बांधकर पीताम्बरी पहन करके आए। जब गोपियों का नंबर आवे तो हमारी बहने माताएं और दादी जी सब बोलेंगे, और जब गोप लोगों का नंबर आवे तो भाई लोग बुजुर्ग बंधु सब बोलेंगे। हैं पलना में लाला सो रहे, ये नंद यशोदा बगल में खड़े हैं, हम लोग भी तो गोकुल में आ गए ना जी। गोपियां यशोदा के पास में गईं, बड़े भाव से बोली यशोदा जी बधाई है। जरा जोर से भाव से बोलो यशोदा जी बधाई है। पीछे से आवाज नहीं आई यशोदा जी बधाई है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो हमारे लाला का जन्म हुआ तो हम नहीं सजेंगे क्या? हाँ तो बड़े सज धज कर सब आ रहे हैं, पगड़ी बांध टेढ़ा तो नहीं है, तो सब सज के आ रहे हैं महाराज। आहा अब देखो ब्रजवासी लोग भी सब पगड़ी बांध के आए और बड़े प्यार से बाबा से बोले बाबा बधाई है, यशोदा जी बधाई है, बाबा बधाई है। बाबा ने की भैया बहुत बहुत बधाई आपके आशीर्वाद से लाला भयो है। मैया बोली बहन जी आपको ये आशीर्वाद है, नहीं 80 वर्ष की उम्र में कौन लाला होयो करे। सब सज करके आ रही हैं गोपियां और दौड़ दौड़ करके पहुंच रही हैं। चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ। यदो वंश के कुल का उजाला हुआ, यदो वंश के कुल का उजाला हुआ, सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल। बैया गर्दन में डाल जन्म लीनो नंद लाल, बैया गर्दन में डाल लाल, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ। देखो एक बात फिर बता दें, एक भी टॉफी मत लुटाइए, एक भी चीज आप लुटाएंगे तो हम नंदों से बंद कर देंगे। एक भी चीज मत लुटाएं आप, सब शांति से सुने, बाद में चश्मा संभाल के लुटेंगे बाद में, अभी एक ट्रॉफी भी नहीं लुटाना। सभी हिल मिल के ग्वाल करें जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के ग्वाल करें जय जय गोपाल, बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीनो नंद लाल, बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीनो नंद लाल, झूले अंगना में पल न जहां लाला हुआ, झूले अंगना में पल न जहां लाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ। आज ब्रज में महाराज करने भक्तों के काज, आज ब्रज में महाराज करने भक्तों के काज, जुड़ा सारा पहुंचाने वाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ। देखो गोकुल की ओर सावन भादों का सोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादों का सोर, बोले पंछी बन मोर मनो
भगवान जी को चल पड़ी। एक मिनट अभी बैठता हूँ, फिर वापस नाचेंगे, है ना, वापस अभी बोलेंगे। मैं बैठ जाओ जहाँ खड़े हो। वृषभान जी को पतो चली कि नंद जी के लाला भयो है, तो उनने लाला के ताई पी को भेजो। अब मैं कहूंगा नंद महल घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आए। सब लोग बड़े भाव से बोलना, हाँ, और देखो ताली बजा के बोलना, लय में बजाना ताली, घोड़े किसी टाप नहीं बजे। और जो ताली बजा के नहीं बोलेगा ना, उसको बगल में बैठने वाले की सौगंध है। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने थी थी को आयो, नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने थी थी को आयो, नंद महर घर ढोटा नहीं बरसाने थी थी को आयो। उधर कुछ बहने अपने थैला में से लुटा रही है, मत लुटा। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने थी थी को आयो, नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने थी थी को आयो, बरसाने थी थी को आयो, नंद महर घर ढोटा महर घर ढोटा जायो, नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने दीदी गायो, 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 श्री वल्लभ ने तम बजायो, बरसाने दीदी गायो, नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने दीदी गायो, नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने दीदी को आयो, बरसाने दीदी को आयो, नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने दीदी को आयो, नंद महर घर ढोटा जायो, नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने दीदी को आयो, नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने दीदी को आयो, नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने दीदी को आयो, नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने दीदी को आयो, नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने दीदी को आयो, नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने दीदी गायो, नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने दीदी गायो, बरसाने दीदी गायो, नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने दीदी गायो, नंद महर घर ढोटा जायो, नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने दीदी गायो, नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने दीदी गायो, नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने दीदी गायो। एक ब्रजवासी ने इतनी बड़ी परात ले ली, उसमें माखन के गोले रख लिए, एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। 95 की माता जी आ गई, मुंह खोलकर पूछने लगी, का भय होए? तो ब्रजवासी ने तक्के गोला ऐसे मारे जो मुंह में है कि सटाक से नॉनस्टॉप पेट में ही चला गया। ब्रजवासी बोले, भयो का? नंद जी के छोरा भयो है। मैया बोली, भगवान करें ऐसे छोरा रोज ही होयो करें। अब वो 95 वर्ष की जो मैया है 16 वर्ष की हो गई, और करंट आ गया, कहीं से नाचने लग गई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधा, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, सवार बधाई आंगन में बज रही आज बधाई, साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, और नाचे गावे धूम मचावे, नाचे गावे धूम मचावे, गावे मीठी बाण, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, सौ सौ बधाई लोगों, सौ सौ बधाई लोगों,
राधे यशोदा सभी गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे और गोप बोल सब हिल मिल करके गोपी बोल सब हिल मिल करके गोपी बाल सब हिल मिल करके बाबा को नाथ नचावे आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई हरे युग युग जी वह लाल तुम्हारो यह आशीष हमारे ऐसे देही आशीष सब ही मिल भाई के आंगन में बज रही आज बधाई आंगन में नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई सौ सौ बार बधाई लागो सौ सौ बार बधाई लागो लाखों बार बधाई नंद जी के आंगन में नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई बरसाने की गोपी आ गई और लाला का दियो श्याम लाला भाव से गा रहे हैं श्याम लाला जियो श्याम लाला देखो यदि आप बैठ जाते पीछे बने तो अच्छा रहता पर बैठोगे तो है नहीं तो तीन के फिर ऊंचे उछलो मथुरा से आए नंदलाला आज गोपियों से बढ़ गया
ब्रजवासी गावे उछलना भी है ताली भी बजानी है नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 Thank you.
ठाकुर की, नंद महोत्सव की, जय जय।